Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. Jaave, 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 patandra. और बताओ क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलो जी एक सेकंड, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेद विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा, ठीक है जी। अब इसमें क्या ही नया बताऊँ मैं। आज जो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो जो कि है लेबर लॉ। बड़ा आसान यार, मेरे को टेढ़ा क्यों लग रहा है, एक सेकंड रुकना। मेरे ख्याल से अब ठीक है। चलो तो जी, आज यहाँ पर हम लेबर लॉ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। लेबर लॉ के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रेड यूनियन, ठीक है जी। ट्रेड यूनियन क्या होता है? लेबर लॉ बेसिकली अगर आपको समझा दूँ मैं दो शब्दों में, तो लेबर लॉ का मतलब जो लेबर के ऊपर लॉज बने हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब ठीक है, ठीक है। एनुअल स्टैटिक्स ऑन ट्रेड यूनियन आर कलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है जी। तो जो एनुअल स्टैटिक्स होते हैं जो भी, वो कलेक्ट होते हैं एनुअली पूरे साल भर के, किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन इन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 के 1 का सी। तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ो, यहाँ कैसे गए तुम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के 1 का सी के अंदर राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट। ऑब्जेक्ट क्या एक्ट का, फटाफट से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या एक्ट का? नेसेसरी प्रोविजन इन रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है जी। ये सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कमैन, ऑब्वियसली भाई ट्रेड यूनियन की बात हो रही है तो लेबर की बात हो रही है, तो वर्कमैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क, भैया लीगल फ्रेमवर्क भी तो होना चाहिए अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है जी। और क्या है भैया जी, अगर हम और देखें तो और हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन अगर हम देखें यहाँ पर फटाफट से, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर वर्कर्स ऑफ द बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांडेड। जो पहले जो एक्ट था फैक्ट्रीज एक्ट, उसके अंदर जो है वर्कर्स ऑफ बॉम्बे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थे, उन्होंने क्या डिमांड करा? द वर्किंग आवर शुड बी रिड्यूस्ड। तो सबसे पहला हमारा ये आ जाता है ट्रेड यूनियन का किस्सा स्टार्ट हो जाता है कि भैया ट्रेड जो ट्रेडिंग आवर्स कह रहा हूँ, वर्किंग आवर्स जो है वो कम होने चाहिए। तो वीकली हॉलीडेज एंड कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी सफर्ड बाय द वर्कमैन, ये भी उनकी डिमांड थी। सो बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन इज द फर्स्ट यूनियन एस्टेब्लिश फॉर द वर्कर्स बाय एन लोखंडे इन द ईयर ऑफ 1890। जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए 1890, ठीक है जी। बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन इज द फर्स्ट यूनियन, जिसका नाम है यूनियन का, एस्टेब्लिश फॉर द वर्कर्स बाय द एन लोखंडे के थ्रू जो है एस्टेब्लिश करी गई थी। तो सेवरल लेबर मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन में जो है, उसके बाद से कई सारे लेबर मूवमेंट चालू हो गई। सो द मिजरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एट दैट टाइम ट्रिगर्ड द लेबर मूवमेंट। तो बेसिकली बड़ी दयनीय स्थिति थी, मिजरेबल स्थिति थी, बड़ी दयनीय स्थिति होती है ना, किसी बड़े हालत खराब हो रखी है, तो उस वजह से कई सारे जो है लेबर मूवमेंट्स को ट्रिगर करा उस चीज़ ने 1919 के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ ILO। ILO क्या होता है भैया? ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब हम फटाफट से देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या है हमारे यहाँ पर ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम फेस बाय ट्रेड यूनियन इन इंडिया, सबसे पहले चीज़ अनइवन ग्रोथ भैया, लेस और नो ट्रेड यूनियन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ना के बराबर या बहुत ही कम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन। लो मेंबरशिप, दूसरा पॉइंट, मैनी वर्कर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट नहीं पता कहीं लेबर को, ठीक है जी। तीसरा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है भैया? कहते देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर कई छोटी छोटी यूनियन बन जाती हैं। अरे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो इतनी छोटी यूनियंस क्यों बना रहे, तो मल्टीप्लिसिटी हो गई। और दिक्कत क्या आ जाता है? इसी के बीच में दंगल हो जाता है, इनके बीच में लड़ाई होती है, नहीं तू साले सही कह रहा है, नहीं तू सही कह रहा है, तू गलत कह रहा है। मल्टीप्लिसिटी भी गलत है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो तो एक या दो या तीन मैक्सिमम हो सकती है, ये थोड़ी 10-15 हर डिपार्टमेंट के, IT डिपार्टमेंट के अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग बन, गलत है। इंटर यूनियन राइवलरी हो जाती है, ठीक है जी। वीक फाइनेंशियल पोजीशन, अब भैया गरीबी इतनी है कि ट्रेड यूनियन क्या ही बनाए, पहले अपनी यूनियन बना लें, अपना ही धंधा चला लें। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट भी जो है यहाँ पर ट्रेड यूनियन को नहीं मिलता, लोगों की सोच भी थोड़ी ख़राब है, लेबर हो अब सारा काम कर ऐसे। असेंशियल कंडीशंस फॉर दी सक्सेस ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या क्या उसमें एसेंशियल ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि एक ट्रेड यूनियन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए? सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव लेबर फोर्स,
प्रोग्रेसिव लेबर्स हो, ऐसी लेबर फोर्स हो जो प्रोग्रेसिव नेचर की हो, प्रोग्रेस करने का सोचे, ठीक है जी। अ साउंड लीडरशिप एंड मेथोडोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक साउंड एक लीडर होना चाहिए उनके पास बेसिकली, अच्छा ठीक है। अ क्लियर एनन्सिएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और तुम्हें पाथ पता होना चाहिए कहाँ पर जाना है। और साउंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, ऐसी लेबर लाओ जो कि प्रोग्रेसिव नेचर की हो, बढ़िया लीडर लाओ, ऑब्जेक्टिव तुम्हें पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया होनी चाहिए। चार असेंशियल्स हो गए हमारे ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन जो भी है बन गई। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, अभी इतनी हमने बकचोदी पहल ली है, इसमें डेफिनेशन क्या निकले ट्रेड यूनियन के, फिर सब कुछ चीज़ें समझ आ गई हमें। लेकिन ट्रेड यूनियन हकीकत में है क्या चीज़? तो सेक्शन टू का एच क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट। कोई भी कॉम्बिनेशन टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। किसका कॉम्बिनेशन? फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन। किस वजह से उनको ऐसे कॉम्बिनेशन बना, किसका वो भी बताएंगे, लोगों का कॉम्बिनेशन है वैसे ही। तो लोग जो है जुड़ जाते हैं किसी पर्पस के लिए, क्या पर्पस हो सकता है? फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, ठीक है जी, वर्कमैन एंड वर्कमैन, और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, और फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस एंड इंक्लूड एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन। तो बड़ा आसान हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, वर्कर वर्कर, वर्कर एम्प्लॉय, वर्कर वर्कर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, जो भी। तो ये तीन चार कंडीशंस के अंदर जो हम उनका रिलेशन देखना है, उस वजह से हमने जो है कुछ कॉम्बिनेशंस बना लिए, बंदों के बंद जुड़ गए और इसको रेगुलेट करना है हमने रिलेशन को, ठीक है। या फिर जो है कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगानी है, ठीक है जी। एनी ट्रेड और बिजनेस इंक्लूड एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन, टू और मोर ट्रेड यूनियंस भी जुड़ जाती है, वो भी इसी के उसमें आते हैं। तो ठीक है, हमें ट्रेड यूनियन समझ आ गया, कॉम्बिनेशन है बंदों का किस पर्पस के लिए, वो पर्पस ही समझ आ गया। अब आया था डेफिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन हमें समझ आ गया, ट्रेड डिस्प्यूट क्या है, ये टू का एच था, ये आ जाता है टू का जी, ठीक है जी। टू के जी में ट्रेड डिस्प्यूट आ जाता है। डिस्प्यूट क्या होता है भैया? ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, और विच कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। एंड वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री, वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर विद होम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस। बड़ी लंबी कहानी बोल दी, लेकिन कुछ नहीं है, जो यहाँ पर हमने देखा था ना पर्पस, किस पर्पस के लिए बनाया, टू रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन वर्कमैन एम्प्लॉयर वर्कमैन। अब इनके बीच में जो भिड़ंत हुई है तभी तो ट्रेड यूनियन बनी है, रिलेशन ऐसे तो नहीं, और भाई शादी में आ जाइए ऐसा वाला रिलेशन तो है नहीं। तो वो जो भिड़ंत तो हुई है इनके बीच में, डिस्प्यूट हुआ है, वो हमारा ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है। और वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री, वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर विद होम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइज। तो वर्कमैन क्या हो गया? जो भी बंदे जो एम्प्लॉयड हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे को क्लियर हो गई। छोटा सा एक और टॉपिक को हम कवर करेंगे यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन क्या है ट्रेड यूनियन की? सेक्शन तीन जो है हमारा क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार। भैया हमको रजिस्ट्रार अपॉइंट करना पड़ेगा अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्ट्रार कैसे होगा? द गवर्नमेंट विल अपॉइंट द पर्सन टू बी रजिस्टर, गवर्नमेंट के हाथ में। द गवर्नमेंट विल अपॉइंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन एज एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन, दीज ऑफिसज विल बी अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है जी। तो एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार्स भी जो है हमारे यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेक्शन फोर क्या है जी हमारा? ये तो सेक्शन थ्री था, फोर में आ जाता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन 2001 के अकॉर्डिंग। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन मिनिमम नंबर ऑफ 7 मेंबर्स आर नेसेसरी टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। तो बड़ा सीधी सी बात हो गई, रजिस्ट्रार वगैरह सब बन गए, अभी बैठ गए, हाँ भाई हाँ भाई चलो हम यहाँ पर बन गए हैं, बढ़िया तुम लोग आओ ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवा लो। पर ये सीधी सी बात कहते हैं, अगर तुमने ट्रेड यूनियन बनानी है तो कम से कम तुम्हारे पास 7 बंदे होने चाहिए ट्रेड यूनियन के अंदर। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन मैंने पीछे पढ़ा है ना, वो कॉम्बिनेशन मिनिमम 7 बंदों का होना चाहिए, 7 से ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 7 होना चाहिए। सो द रीज़न फॉर फिक्सेशन इज टू एनकरेज फॉर्मेशन ऑफ मोर ट्रेड यूनियन सो दैट द ट्रेड यूनियन वुड ग्रो, ठीक है जी। सो अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एम्प्लॉयर कैन रजिस्टर देयर ट्रेड यूनियंस, बट मैक्स लिमिट इज नॉट मैंशन। तो भाई मैंने कहा ना मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम तो 100, 200, 500, 1000 लाओ। मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मे बिकम हाफ ऑफ द टोटल नंबर बट इट मस्ट नॉट एक्सीड हाफ ऑफ द टोटल नंबर। अब कई लोग ये कहेंगे ये क्या कहानी बोल गया, बड़ी आसानी से समझा, तो समझने की कोशिश करना। ये चीज़ क्लियर है आपको कि 7 बंदे होने चाहिए मिनिमम,
किसी भी ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, 6 इसको बोलते हैं, 7 होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अब इसने ये कहा है कि उसका आद, अब देखो समझने की कोशिश करो, इफ 7 मेंबर फाइल्स एप्लीकेशन एंड 3 ऑफ देम डिसोसिएट फ्रॉम इट्स मेंबरशिप इट विल नॉट इनवैलिडेट द एप्लीकेशन, बट इफ 4 ऑफ देम लेफ्ट देन द एप्लीकेशन विल बिकम इनवैलिड। क्या मतलब हुआ, हाफ ऑफ इट्स से इनवैलिडेट नहीं हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, देखो 7 मेंबर हमने बोले मिनिमम फाइल कर दी एप्लीकेशन, फिर 7 मेंबरों में से 3 मेंबरों को याद आया अरे यार मेरे को तो बाहर जाना है, मैं तो इसमें कर ही नहीं पाऊंगा या कुछ भी व्हाट्स एवर रीज़न एक्स वाई जेड, कहते यार हम नहीं आ पाएंगे सॉरी, तो 7 में से 3 माइनस कर दी 50% नहीं हुआ, 7 का 50% 3.5 होता है ना, तो 3 मेंबर्स निकल लिए कोई दिक्कत नहीं एप्लीकेशन वैलिड है, लेकिन अगर 7 में से 4 मेंबर निकल लिए तो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी, मतलब क्लियर है, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं निकलने चाहिए, 50% इससे नीचे ही रहे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस चेंज अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 2001, तो 2001 के अकॉर्डिंग जो है ये अमेंडमेंट डाली थी 50% वाली, नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस एटलीस्ट 10% और 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री विद विच इट इज कनेक्टेड आर द मेंबर्स ऑफ सच ट्रेड यूनियन ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो भी मेंबर्स रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं ट्रेड यूनियन को, वो ऐसे इंडस्ट्री से या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने चाहिए जहाँ पर 100 या फिर 10% विच एवर इज लेस, मतलब अब जैसे अब किसी इंडस्ट्री में है ही मिनिमम 100 बंदे तो वो भी ठीक है वैलिड है, या फिर जो है किसी इंडस्ट्री में भाई 1,00,000, 1,00,000 ऐसे मेंबर्स काम कर रहे हैं वर्कमैन, लेकिन उनका 10% निकाल लो, अगर 10% 100 आ रहा है बढ़िया क्या दिक्कत है, तो 10% या फिर 100 बंदे विच एवर इज लेस, अगर ये नहीं कि 100 का 10% निकालने बैठ गए 10 मेंबर्स में भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, या 50 का निकालने बैठ गए 200 का निकालने बैठ गए 200 का 10-20 होता है तो वो नहीं चलेगा भैया, 100 मिनिमम चाहिए, ठीक है जी, 10% या फिर 100, समझ आ गया, 100 मिनिमम होने चाहिए बेसिकली, फिर चाहे वो 10% के में आए 100 या वैसे 100 हो, विच आर कनेक्टेड एंड मस्ट है मिनिमम 7 मेंबर्स ट्रेड यूनियन के अंदर, हमने देख लिया कि मिनिमम 7 मेंबर्स की हमको यहाँ पर जरूरत पड़ती है, 50% वाला रूल भी हमें समझ आ गया। सेक्शन 5 क्या, 3-4 हमने पढ़ लिया, 5 क्या, 5 आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब सब कुछ हो गया जी, रजिस्ट्रार बैठ गया, रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियन में बंदे हमने जमा कर लिए, अब हमें एप्लीकेशन भी तो देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, किसको, ट्रेड यूनियन की, तो उसके लिए हमने सेक्शन 5 बोल रहा है एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार एंड शैल अ कंपनी, जो हमने 3 में जो रजिस्ट्रार बनाया था उसके पास एप्लीकेशन जाएगी, एंड शैल अ कंपनी मतलब ये सारे एसेंशियल्स हैं, द नेम्स ऑक्यूपेशन एड्रेस ऑफ द मेंबर्स मेकिंग द एप्लीकेशन, जितने भी मेंबर्स हैं उनके सबके नाम एड्रेस ऑक्यूपेशन बताओ, इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन एंड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन द नेम ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क ऑफ द मेंबर्स मेकिंग द एप्लीकेशन, ठीक है जी, तो जहाँ वो काम कर रहे हैं वो भी बताओ, द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, जो ट्रेड यूनियन का एड्रेस और ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस है वो भी बताओ, नेम क्या है वो भी बताओ, द टाइटल नेम एज एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बियरर्स हैं उसके भी बताओ सब कुछ, ऐसी कुछ 2-4 पॉइंट हैं। इफ ट्रेड यूनियन वॉज एग्जिस्टिंग फॉर 1 year और मोर बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देन इट शुड सबमिट अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर ट्रेड यूनियन ऑलरेडी बनी हुई है और पिछले 1 साल से चलती आ रही है लेकिन अब उन्होंने सोचा कि चलो इसको रजिस्टर करा देते हैं, वैसे भी बन जाती ट्रेड यूनियन, कोई दिक्कत नहीं है, तो बट रजिस्ट्रेशन वाले के रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पावर ज़्यादा आते हैं, तो आगे हम देखेंगे रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड की क्या डिफरेंस होता है, तो अगर 1 साल या उससे ज़्यादा की ऑलरेडी बनी हुई है तो वो अपनी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो बता देंगे, हमारे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी इतने इतने हमारे आगे कर्ज लिया हुआ जो भी व्हाट्स एवर, ठीक है। सेक्शन 6 क्या आता है, सेक्शन 6 आता है प्रोविजंस टू बी कंटेंड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या है, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, जनरल फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन और मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड देयर फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड, द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, मिनिमम मतलब भाई अब ट्रेड यूनियन बना रहे तो बिना पैसे की तो बनेगी नहीं, तो ट्रेड यूनियन बनाते में ये कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स हैं जो हमने देख लिया कि नेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जनरल फंड्स होने चाहिए, उनके मेंटेनेंस होना चाहिए, लेकिन मिनिमम हर बंदा कंट्रीब्यूट करे ट्रेड यूनियन के अंदर, क्या, मिनिमम 1 रुपये पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स गांव वगैरह के, 3 रुपये पर एनम फॉर वर्कर्स एंगेज इन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और 12 रुपये पर एनम इन द केस ऑफ अदर केस मतलब अर्बन या इन सब में हो जाते हैं,
क्लियर है मेरे ख्याल से। मतलब जितने भी बंदे हैं ट्रेड यूनियन में, 100 हैं, 500 जो भी हैं, तो अगर वो रूरल वर्कर है तो एक एक रुपये दो, मैंने ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो 3-3 रुपये पर बंदा दो, और अगर दूसरे कोई अदर अर्बन वर्बन में तो 12 रुपये मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम तो अपनी श्रद्धा है 100 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 10,000, 1,00,000 दे दो, तुम्हारे ऊपर है। ये सारे एसेंशियल्स पर्टिकुलर रूल्स हैं, ठीक है। छठा, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड प्रोसीजर इन इम्पोजिशन ऑफ फाइंस ऑन मेंबर्स। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन के रूल बुक में लिखा होना चाहिए, ट्रेड यूनियन बन रही है तो इसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ होगा तो उसमें ऐसी ऐसी पनिशमेंट होगी। द मैनर इन विच द रूल्स शैल बी अमेंडेड, वेरिड और रिसाइंडेड, मतलब किस तरीके से रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द मेंबर्स एंड रिमूवल, इलेक्शन प्रोसेस कैसे हम और बंदे ला सकते हैं ट्रेड यूनियन के अंदर या फिर किसी को निकाल सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर हो। ये मतलब एक ट्रेड यूनियन बनने से पहले उनसे ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं कि तुम्हारे पास है भी, तुम प्रॉपर ट्रेड यूनियन बनवाने जा रहे हो, बकचोदी तो नहीं फैल रहे तुम लोग। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड अदर ऑफिस बियरर्स शुड बी इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर्स, अकाउंट बुक शुड बी मेंटेन्ड। तो कॉमन चीज़ें, प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द यूनियन, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ पर ट्रेड यूनियन बनाने से पहले तुम्हारे पास ये होनी चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा सा बड़ा है ये लेकिन मज़ा आ जाएगा, कर लेते हैं, कोई नहीं। सेक्शन 7 क्या है? सेक्शन 7 कह रहा है पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर ऑल्टरेशन ऑफ नेम। भैया ट्रेड यूनियन सब बना ली तुमने, रूल्स वूल सब बना दिए, पूरा प्रोसीजर के साथ तुमने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवा दिया। मेमोरी फुल हो गई थी फ़ोन की, कोई नहीं, कुछ चीज़ें डिलीट करके आए हैं, जो पुरानी वीडियोस बनाई थी उसकी फाइल्स भी पड़ी रह जाती हैं। चलो जी, तो सेक्शन 7 आ जाता है कि तुम्हें एकदम नाम याद आया कि हाँ यार मेरे को तो अपनी ट्रेड यूनियन का नाम बदलना है, ये कुछ मज़ेदार नाम नहीं है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो नाम बदलना है। उस केस में आप लोग क्या करोगे? उस केस में भैया करोगे, इफ़ रजिस्ट्रार इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन, ही कैन कॉल अपॉन द मेंबर्स फॉर एडिशन इन्फो। तो रजिस्ट्रार को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नाम चेंज के लिए ये इन्फॉर्मेशन कुछ सफिशिएंट नहीं है, तो तुम एक काम करो, हाँ भाई बंदे लोग आ जाओ दोबारा। इफ़ द ट्रेड यूनियन नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन सिमिलर और अदर ट्रेड यूनियन नेम, देन ही हैज़ द पावर टू ऑर्डर फॉर चेंजिंग द नेम। अगर भाई तुमने कोई ट्रेड यूनियन का नाम रखा है और वो उससे बाद में पता चलता है या पहले भी पता चल जाता है कि भैया नहीं यार ये तो उससे सिमिलर है या फिर वो ऑलरेडी ये ट्रेड यूनियन का नाम तो किसी और ट्रेड यूनियन का है, तो तुम्हारे को एकदम नोटिस पहुंच जाएगा भैया नाम चेंज तुम्हारा करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा है। तो सेक्शन 7 बेसिकली रजिस्ट्रार जो है बंदे बुला सकता है कि भैया मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, तुम्हारा ट्रेड यूनियन का नाम कुछ गड़बड़ है, या फिर तुम भी एप्लीकेशन दे सकते हो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार बता देगा। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 कह रहा है रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की, इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल सबमिटेड इज करेक्ट देन द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन। अगर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और नाम वाम सब देख ले रजिस्ट्रार ने कि हाँ भाई बढ़िया नाम बनाया उन्होंने, नया ताज़ा बिल्कुल किसी और के नाम के साथ जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, तो कर दो भैया रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन सेवन कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भैया द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी, जब वो रजिस्टर कर देगा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा ताकि ये मतवारस प्रूफ हो जाए कि हाँ भी हम जो है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। सेक्शन 10 क्या है? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। भैया रजिस्ट्रार मे विड्रॉ और कैंसिल अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन नॉट लेस देन 2 मंथ प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द ग्राउंड फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन। कह रहे हैं मिनिमम 2 महीनों के अंदर जो है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर दिक्कतें बहुत आती हैं, दोबारा से मेमोरी फुल हो गई थी, अब काफ़ी कुछ डिलीट करके आ रहा हूँ, ठीक है जी। सेक्शन 10 जो है हमारा क्या हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा वो। सेक्शन 10 जो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो मिनिमम 2 महीनों का जो है यहाँ पर उसको देना पड़ेगा टाइम, उसके अंदर जो है वो विड्रॉ या कैंसिल कर सकते हैं विद रिकॉर्डेड रीज़न। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कैंसिलेशन के? द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। भाई फ्रॉड है, मिस्टेक से करा है ट्रेड यूनियन ने। ट्रेड यूनियन हैज़ सीज टू बी एग्जिस्ट, सीज हो गई है जी। ट्रेड यूनियन विलफुली कंट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, भाई उंगल कर दी, प्रोविजंस ऑफ एक्ट नहीं माने, क्या करें। या रिक्विजिट नंबर ऑफ द मेंबर्स नॉट मेट, वही जो 50% वाला है, अगर 7 मेंबर है तो उसमें से 4 या 5 चले गए तो ऑब्वियसली फिर तो बंद करना पड़ जाएगा धंधा पानी। सेक्शन 23 क्या है? चेंज ऑफ नेम। अभी आप कहोगे अभी तो पढ़ा था, देखो जी चेंज ऑफ नेम का प्रोसीजर क्या है इसमें ये बता रहे हैं। सेक्शन 23 कह रहा है विद द कंसेंट नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल यूनियन के जो मेंबर्स हैं, 2/3 जो है वहाँ पर चाहिए हमको कंसेंट, आफ्टर गिविंग द रिक्वायर्ड नोटिस अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द चेंजिंग ऑफ नेम, ठीक है जी। 25 क्या अभी देख लेंगे। 24 क्या है जी हमारा सेक्शन? अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन।
मिक्सअप करना है। तो एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन मर्ज टुगेदर, ठीक है जी, एटलीस्ट वोट्स ऑफ हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन आर रिकॉर्डेड। जैसे यूनियन ए यूनियन बी, तो आधे मेंबर्स की यहाँ पर कंसेंट चाहिए, आधे मेंबर्स की यहाँ पर कंसेंट चाहिए, फिर दोनों जो है मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 60% ऑफ द वोट रिकॉर्डेड इन द फेवर ऑफ द प्रपोजल, टोटल में से 60% ऑफ वोट जो है होने चाहिए रिकॉर्ड। तो 50 यहाँ से 50 यहाँ से अगर आ जाएगा तो 60% टोटल में भी होना चाहिए, दो कंडीशन हैं। सेक्शन 25 क्या हुआ, जो वहाँ पर हमने कहा था चेंज ऑफ नेम के अंदर, प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ नेम चेंज एंड एमलगमेशन, प्रोसीजर एंड इफेक्ट क्या उसका, इन द केस ऑफ नेम चेंज इट मस्ट बी राइटिंग साइंड बाय द सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। इन केस ऑफ एमलगमेशन सेम एज अबव, ठीक है, राइटिंग सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर्स ऑफ ईच ट्रेड यूनियन। द रजिस्ट्रार कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन नेम चेंज, किस केस में, इफ द प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द अदर ट्रेड यूनियन, जो नया नाम निकालना चाह रहे हैं बनाना चाह रहे हैं वो दूसरे उसके रिलेशन में है, या फिर द प्रपोज नेम रिजेंबल्स एंड कैन डिसीव द पब्लिक, धोखाधड़ी हो सकती है लोगों के साथ, ठीक है जी। सेक्शन 26 क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एमलगमेशन, इफेक्ट क्या है, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोल्यूशन सेक्शन 27 कह रहा है द एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द साइन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन, द साइन ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, एंड विद इन द 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन बी सेंट टू द रजिस्ट्रार एंड शैल बी रजिस्टर्ड बाय हिम। तो डिसोल्यूशन, धंधा बंद करना, तो ये थी जी हमारे ट्रेड यूनियन का बेसिक, ठीक है जी। इसके बाद हम राइट्स एंड लिबर्टीज जो है किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बहुत सारी मेमोरी भर रही है। इस वीडियो को पहले एक्सपोर्ट करके फटाफट यूट्यूब पर डाल के इन फाइल्स को जो है डिलीट करा जाए, नहीं तो और वीडियोज़ नहीं बन पाएंगी, दिक्कत है। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेली ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। सब्सक्राइब करके जाना, अगर नहीं करा तो करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, बेल आइकन होगा उसको ऑल पे कर देना, अगर वो भी करा हुआ है तो यार आपसे बढ़िया बंदा है ही नहीं कोई दुनिया में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया यूट्यूब ने, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन डाउट कमेंट करिए। अगर पब्लिकली नहीं चाहते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो, या फिर आपको पब्लिक डर लगता है कुछ भी है, तो डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सीधा आके मैसेज कर दो, वहाँ रिप्लाई दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। बस ये मेंशन कर देना कौन से चैनल से आए हो, मतलब ऐसे लिख देना फ्रॉम BBLLB ज्ञान, ये मेरा क्वेश्चन है, दैट्स इट। बाकी अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा कॉल मी फॉर का, वहाँ पर इसको ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर BBLLB ज्ञान सर्च कर लोगे, मेरा सीधा जो है आ जाएगा, या प्रतीक शर्मा सर्च कर लेना, वहीं पर मैं उड़ता उड़ता आ जाऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बीबी एलिगेंट, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय। लाइक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर देना, लेकिन रीज़न ज़रूर दे देना, ठीक है जी, वरना हेटर की कैटेगरी, कोरोना से बच के। बाय बाय।